दिवाकर जी, रात का जो है 10 बज रहा है और इतना ठंडी में आप यहाँ पे हैं। एक दिन 11 दिन के लिए हम बैठे हुए हैं, कोई सोचने की बात नहीं है। एकदम जब तक नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या नहीं होगा? हमारा मांग पूरा नहीं होगा। आपका मांग क्या है? जो पूर्णता पहले से जो ट्रेन का स्टॉपेज है सब पूर्णता होना चाहिए। वो सभी ट्रेनें जो यहाँ पहले से रुक रही थी वो रुकनी चाहिए। हाँ, वो सारे ट्रेन रुकने चाहिए, तब इसमें कुछ बदलाव आएगा, अन्यथा ये बढ़ते जाएगा। शिवदत्त जी, आपका पैर टूटा हुआ है, उसके बाद भी आमरण अनशन में आप शरीक होकर और खुद भी आमरण अनशन कर रहे हैं। आत्मा जो होती है वो आप बल देती है। मेरा पैर टूटा है, मैं नहीं टूटा। ऐसी चाहे कितनी भी सर्द बातें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, जब तक हमारे मुद्दे हासिल नहीं हो जाते, जब तक जो हमारा आमरण अनशन का जो निर्णय लिया गया जिस मुद्दे की वजह से कि ट्रेन के स्टॉपेज के लिए, तब तक ये हमारा अनशन जारी रहेगा। और इसके लिए हमारा शरीर जब तक है तब तक हम इसके लिए कार्यरत रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता पिंटू सिंह को आप देख रहे हैं, ये भी जो है ये सर्द रात में आग जलाए हुए हैं, उसके बाद ये आमरण अनशन में आए हुए हैं। पिंटू जी, आपका क्या इस पे कहना है? इस पे हमारा कहना क्या, पूरे बढ़िया प्रखंड वासियों के साथ जो अन्याय हुआ है वो आपको ये सर्द रात में दिख रहा है। और ये एकजुटता और ये तत्परता और ये सक्रियता जो बढ़िया प्रखंड वासियों ने दिखाई है वो शायद पहले आपको इतना नहीं दिखा होगा। इतना ठंड रात में आप घुमा करके देख लीजिए कि कितने लोग यहाँ पर डॉक्टर मनोरंजन जी के साथ उनके समकक्ष बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि गुड्डू जी एक पैर फ्रैक्चर है, उसके बाद भी वो बैठे हुए हैं। तो हम लोग पहले जैसे भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए याचना किया था, वैसे अभी हम लोग याचना कर रहे हैं। और बढ़िया का इतिहास किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, उसको दोहराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। लेकिन पहले भगवान राम की तरह याचना कर रहे हैं, अगर उससे काम बन गया बन गया, नहीं तो हम लोग खिलाड़ी आदमी हैं, कभी भी रेलवे पटरी पर फुटबॉल खेल सकते हैं और उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या कहेंगे, कहने वाले लोग करते नहीं हैं और करने वाले लोग कहते नहीं हैं। और जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, महोदय हैं, जितने भी हैं वो अपना अपना हिसाब से चल रहे हैं। वो समस्या क्या है और जन समस्या क्या है उसको वो नहीं देख रहे हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ठेठ में, सब लोग जानते ही हैं। तो हम लोग अपनी समस्या को अपने रूप में ले करके उसको हल करने के लिए निकले हैं और याचना में लगे हुए हैं। अगर याचना से नहीं सुनेंगे तो रन होगा। अभी शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन, अभी शांति नहीं, अति शांतिपूर्ण रूप तरीके से काम चल रहा है। और अगर ऐसे ही काम सुलभ हो गया तो हमें क्या, हमारा कोई खेत काटा है जो हम जा करके पटरी उखाड़ेंगे और पटरी को अच्छी करेंगे? अगर ऐसे ही हो गया हो गया, नहीं हुआ तो अंतिम में तो जब भगवान राम जैसे तीर निकाल सकते हैं समुद्र पे, तो हम लोग तो खैर पुराना इतिहास है, कलयुगिया है, कुछ भी कर सकते हैं। जब भगवान श्री राम का आवेश आ सकता है तो हम लोग को तो आवेश आले रहता है। बिहारी जी, जी यहाँ पे जो है इतनी ठंडी रात में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि आग जला हुआ है, उसके बाद आप लोग जो है एकदम हाथ सेक रहे हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? यहाँ पर हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, सैकड़ों लोग हैं और कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये लोग अपने हक के लिए यहाँ पर अपने हैं। जनता जो है मान लीजिए बहुत परेशान है। ट्रेन पहले से रुक रही थी, आवागमन हो रहा था, व्यवसायी लोग यात्री लोग आते थे जाते थे, अभी बहुत परेशान है। 500 रुपया दे के कि कहता है खर्चा लगता खाली मोकामा जाने में, तो बहुत परेशान। जब ट्रेन रुकने के लिए यहाँ पे हम सब हैं, जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी हम सब यहीं रहेंगे, दिन हो या रात हो। 150 वर्ष पुराना यह स्टेशन है, ठीक है। बढ़िया विकास की ओर नहीं जाके और बैक की ओर जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वर्षों से जीतते आ रहे हैं, फिर भी यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ सौतेलापन किया जा रहा है इस गांव को, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। जनता जागरूक हुआ है तो आज जनता के एकत्रित लोग सब देख रहे हैं कि सब एकमत है जनता, फिर भी यहाँ कोई नहीं आ रहे हैं। जनता कार्यकर्ता सब यहाँ जुड़े हुए हैं और एक रात क्या, कई एक रात हम यहाँ रह जाएंगे जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाएगा, मांग पूरा नहीं हो जाएगा।